Can laminated cabinet be painted? If so, what is the budget? अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं होम डेकोर, डिज़ाइन और होम इम्प्रूवमेंट से जुड़े वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं आरती अपने चैनल आरतीज वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिज़ाइन में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरे किचन कैबिनेट का बिफोर लुक है। आप देख सकते हैं कि इस पर प्लाई लगा है और चारों तरफ के लकड़ी के फ्रेम बदरंग हो गए हैं। दो अलग रंगों में होने की वजह से कैबिनेट अच्छा नहीं दिख रहा, कहीं कहीं से प्लाई भी निकल रहा है और यही मेरा कंसर्न है। हम प्लाई चेंज नहीं कर सकते तो एक ही ऑप्शन बचता है, पेंट का। आजकल चॉक पेंट ट्रेंड में है। मैं भी चॉक पेंट का डिस्ट्रेस लुक चाहती हूँ पर वो काफ़ी महंगे पड़ेंगे। फिर मैंने DIY किया और चॉक पेंट खुद ही घर पर बनाया। इसके लिए हमें जो सामान चाहिए वह है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, या किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। 1 kg POP 20 रुपये का पड़ता है। एक बार 1 kg POP लेने से ऐसे कई प्रोजेक्ट में वह यूज़ हो सकता है। फेबिकॉल यह ऑप्शनल है, आप ना चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, पर मैंने फर्स्ट कोट की बॉन्डनेस बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में इसे यूज़ किया है। अपनी पसंद के कलर का क्राफ्टिंग एक्रेलिक कलर मैंने अपनी कैबिनेट के लिए डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। तारपीन का तेल, पेंट ब्रश और सैंड पेपर। मैंने अपनी 4 कैबिनेट डोर के लिए ऐसे 1.5 चम्मच POP लिया है। उसका पानी में घोल बनाना है जो कि ना बहुत ही गाढ़ा हो और ना बहुत पतला। फिर उसमें थोड़ा सा फेविकॉल डालना है। यह स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं अगर अनफिनिश्ड लकड़ी पर पेंट कर रहे हैं तो। यहाँ मुझे प्लाई के ऊपर पेंट करना है तो अपने फर्स्ट कोट में मैंने इसे यूज़ किया है। ग्लू डालते ही घोल की थिकनेस बढ़ जाती है, इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ग्लू पेंट की एडहेसिवनेस बढ़ाती है। लास्टली इसमें कलर मिलाना है। यहाँ मैंने फर्स्ट कोट के लिए अपनी पूरी 1 बॉटल कलर मिक्स किया है। इसकी ऐसी थिकनेस होनी चाहिए। कलर डालते यह पेस्ट अचानक से बहुत गाढ़ी हो जाती है तो आप पानी मिलाकर उसे पतला कर सकते हैं। चॉक पेंट में जितनी बार कोटिंग करते हैं उतनी फिनिशिंग आती है। मैंने 4 कोट किए और मुझे ऐसी 3 बॉटल्स लगी। सबसे पहला स्टेप सैंडिंग का है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे कभी मिस ना करें वरना परेशानी होगी। सैंड पेपर से पूरे डोर को सैंडिंग करनी है और इसे थोड़ा रफनेस देना है ताकि इसके रंग पकड़ने की क्षमता बढ़े। फिर कपड़े से उसे साफ कर लेना है। फिर मैंने अपना पहला कोट पेंट करना शुरू किया। पेंटिंग के समय एक खास बात जो ध्यान रखनी है वो कि आपका लास्ट स्ट्रोक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक बारी ही हो, वह बीच में ब्रेक ना हो। इससे सूखने पर अलग अलग पैचेस नहीं दिखेंगे। यह पहली बार का लुक है। इसे देखकर घबराहट ज़रूर होगी कि पता नहीं पेंट चढ़ेगा या नहीं, पर यकीन मानिए 3-4 कोटिंग के बाद इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। यह फर्स्ट कोट सूखने के बाद का लुक है। चॉक पेंट ग्लॉसी लुक नहीं देता, वह मैट इफेक्ट देता है। इसे सूखने में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगता है। अब मैं सेकेंड कोट करने जा रही हूँ। ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं। किचन क्योंकि पूरे दिन यूज़ में रहता है इसलिए पेंटिंग का काम मैं रात में करती हूँ। एक बार पेंटिंग हो जाने पर ब्रश को पानी में डालकर रखना है ताकि अगली बार वह यूज़ हो सके, वह सूखे ना। नेक्स्ट मॉर्निंग इसके सूखने पर, कहीं कहीं ज़्यादा पेंट होने पर बर्तन धोने वाले स्कॉच बार से हल्के हाथों से स्क्रब कर लिया ताकि एक्स्ट्रा पेंट निकल जाए।
दूसरे दिन मैंने सिर्फ आधा कप पीओपी लिया क्योंकि आज पहले दिन से कम रंग लगने वाला था और फिर सेम प्रोसेस में जाना है। आज मैंने ग्लू नहीं मिलाया, रंग उतना ही बनाना है जितना यूज़ करना है क्योंकि बाद में यह सूख जाएगा। लास्ट दिन कलर प्रिपरेशन में सिर्फ एक स्टेप ऐड करना है। मैंने कलर में तारपीन तेल का 2 ढक्कन डाला ताकि कलर सील हो जाए। वैसे महंगे चौक में लास्ट स्टेप में वैक्स कोटिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ सब कुछ जुगाड़ू किया है तो वैक्स कोट के बदले यह मेथड अपनाया। आपको यह मेथड कहीं नहीं मिलेगा, तो ऐसे जुगाड़ू इंटीरियर सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अंत में मैंने हैंडल्स को गोल्डन एक्रेलिक पेंट से पेंट किया। नाउ आई लीव यू टू एंजॉय द बिफोर वर्सेस आफ्टर लुक। I hope you like the video. Please make sure to subscribe, like and share the video. Please leave a comment in the comment section given below. Thank you for watching.